थाना कुरौली क्षेत्र की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला अपने जेठ की हत्या के मामले में मुकदमे दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और यहां उसने एसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आरोपियों द्वारा धमकी दिए जाने की बात भी कही है। आइए आपको भी दिखाते हैं। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद अपने परिवार के साथ यही वो पीड़िता है जिसका नाम रिंकी पत्नी कुलदीप जाटव है। पीड़िता अनुसूचित जाति समाज से ताल्लुकात रखती है। पीड़िता ने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि वह थाना कुरौली क्षेत्र के कुलालपुर की रहने वाली है। 16 जून के दिन उसके जेठ दयाशंकर के साथ सर्वेश चौहान व उनके परिवारी जनों द्वारा 500 रुपए की उधारी को लेकर पूरी तरह मारपीट कर दी गई थी जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उनका उपचार सैफई मेडिकल कॉलेज में चला था। उपचार के दौरान 25 जून के दिन उनकी मौत हो गई जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर थाने पर आईपीसी की धारा 304, 504, 506 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे को पंजीकृत कर लिया गया लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। उसने यह भी बताया कि 27 जून के दिन मुकदमे में आरोपित सभी लोग उसके घर आए और उसको मुकदमा वापस लिए जाने की धमकी दी और मुकदमा वापस न लेने पर जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने की पुलिस अधीक्षक से मांग की है और क्या कुछ बताया यह भी सुनिए। रिंकी, क्या मामला है? एसपी साहब से शिकायत करने आई हैं आप लोग? हमारे जेठ थे ना, उनको ठाकुर लोगों ने मारा। कैसे कैसे मार दिया? दुकान पे गए थे, लात घूसे से खूब मारा, खूब पिटाई की, फिर यहाँ तक मर गए। तब मिले, अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है, वो पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए? क्यों मारा था? बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी, दुकान पे गए थे, कुछ लेन देन हुआ पिछला, तो ये बोलने लगे दिया नहीं, फिर आ गया साला लेने। तो पैसे तो खैर नकद लेके गई थी, कोई सौदा लेने गई थी, फिर भी झगड़ा करने लगे जबरदस्ती, इतना मारा जहाँ तक कि मरी गई। मतलब उधार रुपए का लेन देन था? थोड़ा बहुत होगा पिछला या नहीं, हमें नहीं पता था। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब यही दिक्कत आ रही, कल परसों, कल की बात है, कल धमकी दे के गई, जैसे कि अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ करोगे ना तो तुम्हें जान से मार देंगे, जितनी जमीन है वो सब तुम्हारे नीचे लगा देंगे। हाँ, लगा देंगे। कितना लेन देन था उधारी का? उधारी का हो गया ऐसे 500 रुपए उधारी के लेन देन थे, सिर्फ इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उधारी के पैसे मांगने पे मारपीट करके मार, उन्होंने ये कहा कि आप लोग किस जाति के? आप लोग? हम जाट, जाटा पे। और ने मारपीट की है? वो ठाकुर। कब हुई थी मृत्यु? हाँ, 25 तारीख। मारपीट कब की थी? मारपीट हुई 16 तारीख। अभी कोई गिरफ्तार हुआ इसमें? कोई नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ।